हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कल लोगों ने पढ़ा था इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स पढ़े थे। ओके, आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन की पढ़ेंगे। ओके, तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या होती है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करने में डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो हमारे पास जो इंटीग्रेंड होता है वैल्यू आती है वो उसमें नो चेंज होता है, मतलब रिमेन्स अनचेंज होता है। ओके, मतलब बात होती है हमारे पास अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसको ले लेते हैं हम लोग ए टू बी एफ वाई एंड डी वाई। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वेरिएबल था उसे चेंज करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है वाई है, यहाँ पे वाई है, सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है। अब जो वैल्यू निकालोगे, मान लेते ये दिया होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल एफ वाई आएगी। ओके, अब लिमिट पुट करोगे ए टू बी क्या आएगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी आएगी कैपिटल एफ एक्स, लिमिट है ए टू बी, लिमिट पुट करो एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या सेम है, वेरिएबल तो अलग अलग थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास अगर वेरिएबल हम चेंज भी कर देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास इसके इंटीग्रैंड की वैल्यू में अनचेंज चेंज नहीं होती, मतलब रिमेंस अनचेंज होती है। देख लीजिए फर्स्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी, दिस ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लिमिट को चेंज कर दें, मतलब अपर को लोअर, लोअर को अपर लिमिट बना देंगे तो क्या फाइन आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास ये कैपिटल एफ एक्स आ गया, अब ये लिमिट है हमारे पास ए टू बी, क्या आएगा हमारे पास कैपिटल एफ बी माइनस में कैपिटल एफ ए। ओके, अच्छा इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग आएगा कैपिटल एफ एक्स और यहाँ पे क्या आएगा ए टू सॉरी बी टू ए, बी टू ए क्या आएगा बस एफ ऑफ ए माइनस में एफ ऑफ बी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस में एफ ऑफ बी है, तो दोनों इक्वल कब होंगे जब हमें माइनस का कॉमन कर लेंगे, तो माइनस में कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, लिख लीजिए, मतलब लिमिट जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या किया ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, मतलब अगर लिमिट को हम ब्रेक कर दें, लिमिट को ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगा, उसी लिमिट के अकॉर्डिंगली हमारे पास सम कर लेंगे। ए टू बी है यहाँ पे, वेयर बस ये ध्यान रखना कि ए लेस देन सी लेस देन बी, इस बात का ध्यान रखना, जो सी है वो ए और बी के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, नोट कीजिए, यहां पे लिख लीजिए वेयर एफ इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो बेसिक की प्रॉपर्टी हो गई, अभी हमारे पास जो रियल प्रॉपर्टीज हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम उसमें वेरिएबल चेंज कर देंगे तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, निगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी है कि
कि हम लिमिट को अगर ब्रेक करेंगे तो उसी लिमिट के अकॉर्डिंग हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम का इक्वल आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन लिखे, ये तीन प्रॉपर्टीज हुई है अभी, अभी हम आगे जैसे जैसे प्रॉपर्टीज आएंगी आपको बताते जाएंगे, अभी इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। ओके लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 3/2 एक्स ग्रेटेस्ट लीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स। ओके ग्रेटेस्ट लीजर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लीजर पार्ट दिया हुआ है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, तो हमें अब क्या चलना है एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से लेके वन तक ग्रेटेस्ट क्या होता है जीरो होता है। बात करते हैं क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जीरो से वन लेंगे, जीरो इंक्लूडिंग एक्स ऐसे लोगे तो हमारे पास क्या आएगा जीरो आ जाएगा। ओके यहाँ पे ग्रेटर क्या आएगा जीरो। अच्छा अब एक्स स्क्वायर को अब यहाँ पे आपने वन से लेके 3/4 ये रखोगे 3/2 का स्क्वायर राइट, ध्यान से देखो हमारे पास क्या करेंगे, पहले जीरो रखा जीरो आ गया और 3/2 यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा 9/4, मतलब ये क्या है 2 point something कुछ आ गया, तो 2 से include 2 से आगे चल रहे हैं लोग, क्या आएगा हमारे पास कर देते हो 2.25 आएगा 2.25। तो हमें जो ब्रेक करना है वो कैसे ब्रेक करना होगा, 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3 राइट। अब ये 2 कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। अच्छा ध्यान से देखो क्या किया, मतलब हमारे कहने का है कि 0 से लेके ये 2.5 तक चेक करना, तो क्या करेंगे 1 तक चेक करें, 1 कब आएगा जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 इंक्लूडिंग होगी और साथ ही साथ में यहां पे क्या है 3/2, तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि 1.5 होगा 1.5। ओके तो यहां पे क्या किया एक्स स्क्वायर है तो यहां पे क्या कर दे √2, एनी प्रॉब्लम, ग्रेटर लीजर फंक्शन को पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये कर दी, x की वैल्यू 1 से √2, √2 इज लेस देन 3/2, √2 इज लेस देन 3/2 क्योंकि √2 की वैल्यू क्या है 1.414 है और ये क्या है 1.5 लिखा हुआ है। ओके अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा, 2 कब आएगा जब x क्या होगा √2 से लेकर 3/2 होगा। ओके ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, फिर से समझ लीजिए एक्स स्क्वायर है, अब यहीं पे फंक्शन समझ में आएगा आपको फंक्शन का यूज क्या होता है, एक्स स्क्वायर ना हमारे पास एक्स स्क्वायर में हम एक्स को क्या पुट करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो मिल जाए, तो पता है आपको जीरो से लेके वन तक वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, जीरो दिया हुआ है जीरो रखोगे तो भी जीरो आएगा और यहाँ पे वन रख दोगे वन का स्क्वायर आएगा हमारे पास राइट, कि यहाँ पे जीरो से वन हो गया एक्स की वैल्यू, फिर वन कब आएगा जब ये वैल्यू वन से टू होगी, वन से टू के मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू √1 और √2, √1 क्या हो गया वन से √2 हो गए राइट। अब टू कब आएगा जब एक्स √2 से 3 होना चाहिए एक्चुअल में, पर 3 तो है ही नहीं हमारे पास, क्या दिया हुआ ये 3/2 दिया हुआ, मतलब 2 से तो ज्यादा है ना हमारे पास, तो क्या किया हमने आज 2 से 3 के लिए क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लो, तो अभी लाइट वैल्यू यहां पे रहेगी हाईएस्ट वैल्यू है 3/2 यहां 3/2 दे दिया, अगर यही पोजीशन यहां पे 3 होती तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता। ओके तो यहां पे अब क्या करेंगे, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, यहीं से ब्रेक करना क्या
पहली लिमिट है 0 से 1, 0 से 1, ये x ऐसे ही रहेगा और इसमें क्या रहेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे क्या है हमारे पास 0 dx प्लस 1 से रूट 2, ये x ऐसे ही है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 dx प्लस रूट 2 से 3/2, x ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और dx। इतना बात समझ में आ गई। फिर से आप क्या करें, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे 0 हो गया, खत्म हो गया, 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आएगा हमारे पास x2/2, लिमिट है 1 से रूट 2 प्लस इसका क्या आएगा हमारे पास x2 2 रूट 2 से 3/2, ओके खत्म हो गया। रूट 2 पुट करोगे क्या आएगा 2/2 माइनस में 1 पुट करोगे 1/2 प्लस 3/2 9/4 माइनस में 2, तो ये गया 2 माइनस 1 माइनस में हाफ हाफ प्लस 9/4 माइनस 2 तो 11/4 माइनस 2 मतलब 3/4, ये आपका आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, हमारे पास जो वर्क करना था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट पे वर्क करना था, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का होता है इंटीजर वैल्यू होती है, अब वही वैल्यू फाइंड करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 1 2 3 4 होता है, 0 कब होगा जब x की वैल्यू इस पूरे फंक्शन की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग x क्या आएगा, x आएगा 0 से लेके 1, क्योंकि रूट 0 0 होता है, रूट 1 1 होता है। अब 1 कब आएगा जब इसकी वैल्यू 1 से 2 होगी, उसके लिए x क्या होगा मतलब x स्क्वायर वैल्यू क्या होगी 1 से 2, x क्या आएगा रूट 1 रूट 2, ओके। फिर 2 कब आएगा जब हमारे पास क्या होगा ये वैल्यू 2 से 3 होगी, 2 से 3 के लिए क्या होगा रूट 2 रूट 3, बट ये रूट 3 से तो लेस है, रूट 3 से लेस है क्योंकि रूट 3 वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है और ये है हमारे पास 1.5 है, तो उससे लेस है, हम जो हाईएस्ट वैल्यू है उसी को ले लेते हैं, ओके। उसके बाद में यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π, 0 to π 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 एंड dx, सॉरी 1 प्लस और ये रूट में है, ओके अभी कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या करेंगे इसको 0 to π लिमिट जैसा है वैसे इसको वैल्यू क्या है कि हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी 2 cos² x, 2 से डिवाइड तो जाएगा रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स, रूट से क्या आएगा हमारे पास मॉड cos x एंड dx, मॉड cos x एंड dx। अब आपको भी पता है क्या कि cos का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है पाई, 0 to π है हमारे पास तो पाई वैल्यू क्या होगी ये होती है,
देखो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ये रूट मिल गया, इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे? जीरो टू, ये क्या है, पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू, क्या होगा, कॉस के लिए क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। प्लस ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमें यही तक बनाना है, पर ये वैल्यू क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस। तो आपको बताया था कि बिलो द एक्स एक्सिस होता है क्या होता है, माइनस एन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई टू टू पाई, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, अब सॉल्व कर लेंगे, खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, लिमिट है हमारे पास जीरो टू पाई बाई टू, माइनस ये भी हो जाएगा साइन एक्स पाई बाई टू टू पाई, वैल्यू पुट कर दो, साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो माइनस साइन पाई, और माइनस एन माइनस क्या रहेगा, प्लस साइन पाई बाई टू। ओके अच्छा, अब ये वैल्यू वन माइनस जीरो प्लस वन क्या रहेगा, टू। ओके नोट कर लीजिए, और इससे सिंपल कर दो, चलो इतना नोट कीजिए, आगे जब आएगा हमारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमारे पास इससे भी सिंपल मेथड है, उसको देख के आंसर बता देते हो। ओके ये जरूर बना लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टू थ्री मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन, मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन एंड डीएक्स। ओके अभी कीजिए, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 9, तो मॉड है, कैसे बोल लो, मॉड है तो क्या होगा, नेगेटिव। पहले तो ग्राफ बना लो, इसका डायग्राम बनाने से आ गया, उसको इसके फैक्टर करना रह जाएगा, 9 by 5, 9 में फैक्टर करता क्या होगा, 1.8, ये हो गया हमारे पास 9 by 5। अब यहाँ पे ग्राफ कैसा है, यहीं पे 20 सेट का बनेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, और यहाँ पे ये 1.8 है, यहाँ पे कहीं पर 3 होगा, हमें क्या चाहिए, जीरो से थ्री का ग्राफ चाहिए, ये हटा दो और मान लेते हैं यही पर थ्री है, ये हटा दो, ये ग्राफ चाहिए हमें। ध्यान से देखो, जीरो से लेके रूट कहां पे मिला, 9/5, तो ये क्या होगा, जीरो से लेके 9/5, और एक बार जिस ये साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या 5x माइनस 9, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा 5x माइनस 9। आपको बताया ना क्या मॉड एक्स कैसा होता है, हमारे पास इधर साइड माइनस एक्स होता है, क्या होता है, प्लस एक्स होता है, जिस पॉइंट पे रूट मिलता है उसके लेफ्ट साइड का पार्ट क्या होता है, नेगेटिव, और जिस साइड पे राइट साइड का होता है, पॉजिटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, जीरो टू 9/5 नेगेटिव ऑफ 5x माइनस में 9 dx प्लस, अब क्या करेंगे, 9/5 से 3, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ग्राफ है, क्या हो जाएगा, 5x माइनस में 9 एंड dx। ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस इसके वैल्यू क्या आएगी, 5x स्क्वायर माइनस एंड माइनस क्या हो गया, प्लस 9x, और यहां पे 2 x स्क्वायर बाई 2, 0 टू
9 बाई 5 प्लस इसके लिए क्या हो गई 5x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 9x, यहाँ पे क्या हो गया 9 बाई 5 टू 3। ओके अब क्या करें, 9 बाई 5 पुट कर दो, क्या जाएगा माइनस 5 बाई 2, 9 बाई 5 का स्क्वायर 81 अपॉन 25 प्लस इसमें 9 बाई 5 तो 81 अपॉन 5 माइनस 0 रखें, खत्म हो गया ये पोर्शन। ओके प्लस यहां पे रखते हैं 3, 3 रखें क्या आएगा मेरे पास 5 बाई 2 एंड 9 आ जाएगा, यहां पर हो गया ना मेरे पास 5 बाई 2, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 27। ओके अब क्या करेंगे, माइनस 9 बाई 5 पुट कर दो, 9 बाई 5 पुट करेंगे आएगा 5 बाई 2 इंटू में 81 अपॉन में 25 और माइनस में 9 पुट किया तो माइनस में 81 अपॉन, कुछ गलत किया गया, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा फिर 81 अपॉन 5। ओके आप सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या हो जाएगा माइनस में 5 से कैंसिल कर देंगे, माइनस 81 अपॉन 10 प्लस 81 अपॉन 5 प्लस 45 बाई 2 माइनस 27 और यहां से कैंसिल किया तो माइनस 81 अपॉन 10 और प्लस 81 अपॉन 5, 81 अपॉन 10, 81 अपॉन 10 क्या हो जाएगा माइनस 81 अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा 81 अपॉन 5 45 बाई 2, तो इसको सेव कर लेंगे और 25 कैंसिल कर लेंगे, क्या जाएगा 45 बाई 2 प्लस 81 अपॉन 5 माइनस में 27 इक्वल टू, सॉल्व करें क्या जाएगा ये 225 माइनस में 162 सॉरी प्लस में 162 माइनस में 270 अपॉन में 10, यहाँ पे हो गया माइनस 45 माइनस 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी बनाएगा 117 बाई 10। ओके ये आपका आंसर आ गया। बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ओके देखिए फिर से समझ लीजिए, हमारे पास ये जो ग्राफ ये फंक्शन है इसका ग्राफ बनाना सीख जाइए, ग्राफ बनाने के बाद में इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कंटिन्यूस होता, मान लेते हैं हमारे पास ग्राफ कैसा आता है, ये यहाँ पे 3 है और ये ग्राफ यहाँ से टच करता है तो ये क्या होता है माइनस हो जाता है, खत्म लिमिट डायरेक्ट क्या करते हैं 0 से 3 करते हैं, इसके आगे की वैल्यू लेते ही नहीं, ये जो लेते हम यही करते। ओके तो बस हमें ग्राफ बनाना जहां पे आ गया आपको वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या देगा सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आपको बोला था कि फंक्शन का चैप्टर है उसको रिवाइज कर लीजिए, जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट है माइनस ई टू वन बाई ई मॉड ऑफ एल एन एक्स डीएक्स। एक मिनट, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स एंड डीएक्स, इसे कीजिए। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू माइनस टू बाई ई, ऑप्शन नंबर सेकेंड टू ई, ऑप्शन नंबर थर्ड माइनस टू बाई ई, ऑप्शन नंबर फोर्थ टू बाई ई। ओके कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ये जो वैल्यू है हमारे पास ln mod x, mod x से मतलब नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, राइट। अब ln x का ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, ln x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ओके अच्छा, मॉड है तो मतलब क्या होगा, मिरर भी होगा हमारे पास। ओके ये तो बात हो गई हमारे पास मॉड एलन एक्स की। अब बात करते हैं जो मॉड एक्स की, मॉड एक्स है मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कहने का है कि ये जो वैल्यू है ये इसकी मिरर है, और यहां पर भी सेम ऐसे मिलेगा। समझ में आया कुछ, क्या किया पहले अपने ln x का बनाया, पहले ln x का बनाया, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, पहले क्या किया ln x का बनाया। ln x का कैसा होता है हमारे पास, पूरा स्ट्रेट होता है, राइट। उसके बाद में मॉड ln x का बनाया, मॉड के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में भी होगा। ओके तो ये नेगेटिव बन गया। अब क्या किया, अब ये मॉड x कैसा होता है हमारे पास, मॉड एक्स नेगेटिव पुट करने में भी पॉजिटिव पुट होता है, वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर जा रहा था इसकी भी मिरर, इसकी मिरर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसकी मिरर क्या जाएगा, ये बन गया। ओके अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये होगी वन, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी। ओके ये थोड़ा सा कॉर्नर होगा, थोड़ा सा ऐसा कि ये होगी माइनस वन। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे अगर वन माइनस ई पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई कहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं पे होगा, माइनस ई यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है, माइनस टू पॉइंट समथिंग, तो माइनस ई यहाँ पे हो गया। ओके ये हो गया माइनस ई, तो हमें जो ग्राफ चाहिए वो यहां से चाहिए, और कहां तक चाहिए, वन बाई ई पुट करो, जैसा एल एक्स में वन बाई पुट करो क्या आएगा, माइनस वन आएगा। ओके वन बाई ई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वन बाई ई
वन बाई ए मतलब ई रेशो माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ओके तो इसके बाद बात करता हूँ, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट करने का क्या होगा नेगेटिव निकलेगी, ये भी पॉजिटिव निकलेगी, ये e है यहाँ पर भी e होगा, क्यों, क्योंकि मॉड का ग्राफ बना रहे हैं ना हम लोग, मॉड का ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा अच्छा अब क्या करें, ठीक है तो हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया कौन सा होगा, और हाँ माइनस वन बाई ई पुट करना है। ओके तो यहाँ पे जो ये वन है वन बाई ई यहाँ पे होगा, ऐसा कट कर रहा हूँ, ये है हमारे पास वन बाई ई, ये क्या है वन बाई ई, और ये क्या है हमारे पास, ये है माइनस वन बाई ई। समझिए मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं, हमें क्या चाहिए था माइनस ई से वन बाई ई चाहिए था, माइनस ई से वन बाई ई, तो हमें एक्चुअल में एरिया कौन सा चाहिए, एरिया चाहिए कौन सा, ये एरिया चाहिए और प्लस ये भी एरिया चाहिए, साथ साथ में ये एरिया, ध्यान से देखिए हमें एरिया कौन चाहिए, हमें कौन सा एरिया चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए, राइट। अच्छा अच्छा ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो मैं इस पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। ओके तो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यहां से इस एरिया को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये भी एरिया तो सेम है ना, ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है। ओके तो हमें क्या करना होगा, हमें यहां से इस एरिया को निकाल लो, क्योंकि ऐसा क्यों किया रहा है, अब बाबा बोल रहा हूं यहां पे मॉड है, यहाँ पे मॉड है इसलिए मैं कोई भी एरिया निकाल सकता हूँ, आपको बताया ना कि वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है। तो इसी तरीके से हमारे पास माइनस वन बाई बी से ये एरिया और ये एरिया सेम है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एल एन मॉड एस है, मॉड ऑफ एल एन मॉड एस का ग्राफ यही है। तो एरिया की बात करेंगे तो हमें वही एरिया मिलेगा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, वही एरिया यहाँ पे होगा। ओके अच्छा तो क्या करें, मैं इस एरिया के निकालने के बजाय इस एरिया के बजाय मैं ये एरिया निकाल दूं। ओके तो हमारे पास आंसर सेम मिल जाएगा, क्या किया मैंने, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा लाइन देख लेते हैं हम लोग, ये ग्राफ क्या होगा हमारे पास, ये वाला लाइन क्या होगा, माइनस में है ना हमारे पास, तो माइनस ऑफ एल एन ऑफ माइनस एक्स है, माइनस ऑफ एल एन ऑफ माइनस एक्स है। ओके अच्छा एक मिनट, एक पॉजिटिव सॉरी, क्यों, क्योंकि यही तो हमारे पास क्या आया था, यही रिवर्स हुआ है, ये क्या हुआ रिवर्स हुआ है ना हमारे पास, मॉड लेस है, मॉड क्या हुआ पॉजिटिव हो गया। अच्छा ये जो है हमारे पास ये वाली लाइन, इसका क्या होगा, ये होगा मॉड ऑफ एल एन ऑफ माइनस ऑफ एल एन ऑफ माइनस एक्स। ओके अच्छा अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी, वन से लेस है क्या रहेगी, माइनस ऑफ एल एन एक्स हो गया, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा एल एन एक्स। फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको वैल्यू को याद होगा ग्राफ कैसे निकालते थे, ये तो इस पोजीशन के लेस पोर्शन क्या होता है निगेटिव होता है, इस पोजीशन से लेस पोर्शन निगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव क्या है बस ये हो गया। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, इसी को 1 बाई ई से लेकर ई तक निकाल लेते हैं एल एन एक्स, 1 बाई ई से पहले 1 निकालेंगे, तो ये जो लाइन है कि ये क्या है माइनस ऑफ एल एन एक्स डी एक्स प्लस 1 से लेकर ई तक एल एन एक्स डी एक्स। ओके सॉल्व कर सकते हो, एक मिनट क्वेश्चन को यहां से माइनस कर दो, माइनस वन बाई ए से माइनस, तो इस एरिया के बजाय मैंने ये एरिया इंक्लूड किया। ओके
अच्छा अब क्या कर सकते हैं, एल माइनस को बाहर रख दो, माइनस को बाहर रख देते हैं तो क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू एल एन एस करोगे, और एल एन एस का इंटीग्रेशन बहुत पढ़ चुके हैं, क्या होता है एक्स एल एन एक्स माइनस में एक्स, क्या हो जाएगा वन बाई ई टू वन माइनस प्लस ये जाएगा हमारे पास एक्स एल एन एक्स माइनस में एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वन टू ई हो जाएगा। ओके वैल्यू पुट कर दो, वन पुट करेंगे जीरो, और यहाँ पुट करेंगे माइनस में वन, और वन बाई ई पुट करेंगे क्या आएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये माइनस वन बाई ई, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे रखेंगे वन बाई ई माइनस वन बाई ई, माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस, फिर यहाँ पे देखते हैं ई पुट करेंगे तो ये वन हो जाएगा ई माइनस ई। ओके और फिर वन पुट करेंगे जीरो हो गया, ये माइनस में वन हो गया, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं वन माइनस टू बाई ई, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर समझ लीजिए, ग्राफ बनाना सीखिए पहले, ग्राफ बनाना जिसको नहीं आया उसको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है माइनस ई से माइनस वन बाई ई, क्वेश्चन है माइनस ई से माइनस वन बाई ई, आप सिंपल सा एल एन एस का ग्राफ बना दो, एल एन एस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ओके अब ध्यान से देखिए, ये हो गया एल एन एस का ग्राफ, अब क्या किया हमने मॉड ऑफ एल एन एस को बना दिया, सॉरी एल ऑफ मॉड एक्स का, एल ऑफ मॉड एक्स कैसा बनेगा हमारे पास, निगेटिव पुट करेंगे तब हमारे पास ऐसा बनेगा, एक्स के लिए निगेटिव पुट करोगे तब भी हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा। ओके अच्छा आप क्या करते हैं, मॉड ऑफ एल एन एस मतलब जो एल एन एस की वैल्यू आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी, तो इसको जो पोर्शन है इसको मिरर इमेज निकाल दी, ये खत्म हो गया, तो इसकी भी मिरर इमेज आ जाएगी, ये भी खत्म हो गया। ओके अब बात करते हैं वैल्यूज की, माइनस ई पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ई पुट करेंगे तो ये माइनस ई होगा कहाँ पर, यहाँ पे होगा, ये वैल्यू क्या है माइनस वन है, और ये जो वैल्यू है ये है माइनस वन बाई ई है, एक्स की वैल्यू बात कर रहा हूँ, माइनस वन बाई ई क्या होगा माइनस वन से ग्रेटर होगी, और माइनस ई क्या होगा माइनस वन से लेस होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें जो एरिया चाहिए वो ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये और ये। ओके माइनस साइन था तो यहाँ पे आपको लेने को क्या कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे एल एन ऑफ माइनस एक्स और माइनस ऑफ एल एन माइनस एक्स, बट एल एन हमें माइनस साइन देखने में ही अच्छी लगता है, क्या करेंगे हम इसलिए पॉजिटिव वाला आएगा, तो हमने इस एरिया के बजाय यहां से वन बाई ई और यहां पे ई, इस एरिया को बोल रहे हैं यहाँ पे ये एरिया निकाले, क्योंकि दोनों क्या है दोनों इक्वल पार्ट है हमारे पास, तो वन बाई ई से वन, और हमें क्या पता है एल एन एस का ग्राफ पता है, एल एन एस का होता है हमारे पास एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स होता है, इसको नहीं पता है वो क्या करोगे एल एन एस का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा वन इन टू एल एन एक्स, तो फर्स्ट सेकेंड बाई पार्ट यूज करके करेंगे। ओके ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है, ये जेई के क्वेश्चन है। ओके तो अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास वहां पे आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू डी एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल पार्ट आगे ध्यान दीजिएगा, बस यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा,
क्या है माइनस वन से, तो हमें एक स्टार्ट कहां से करना होगा माइनस वन से, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी माइनस वन से चेक करेंगे क्या, देखो माइनस वन पुट करोगे क्या आएगा माइनस में हाफ, तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस वन आएगी क्यों, क्योंकि माइनस हाफ वन से लेकर जीरो तक की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है ओके, और जब थ्री पुट करो तो थ्री प्लस हाफ मतलब 3.5 आएगा, थ्री प्लस हाफ 3.5 तो 3.5 क्या आएगा 3, तो यहां से लेकर ये वैल्यू इसके अंडर आएंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, माइनस वन आएगा क्या क्या आएगा देख लेते हैं, माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा एंड थ्री आएगा, ये पार्ट में ब्रेक किया, अभी लिमिट ब्रेक करना बाकी है, लिमिट बाकी है, अब देखो ध्यान से देखना लिमिट कैसे ब्रेक करते हैं, देखो इसकी वैल्यू माइनस वन कब आएगी, जब ये वैल्यू जो है एक्स प्लस हाफ ये क्या होगा माइनस वन से लेकर जीरो तक होगा राइट, तो माइनस वन जीरो क्या आएगा हमारे पास एक मिनट ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वन से जीरो, माइनस वन एक्स कब आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन कब आएगा, जब हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा हाफ, यहां पे क्या होगा हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे राइट, तो क्या करेंगे माइनस वन से लेकर माइनस हाफ हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो कब आएगी हमारे पास, जब एक्स क्या हो जाएगा माइनस हाफ ओके, अच्छा जीरो कब आएगा, जब ये वैल्यू क्या होगी जीरो से लेकर वन होगी, जीरो कब आएगा तो माइनस हाफ से लेकर हाफ, मतलब ये हो गया माइनस हाफ से लेकर हाफ ओके, अच्छा वन कब आएगी, यहां पे वन रख दो यहां पे टू रख दो, हाफ करोगे तो क्या आएगा हाफ प्लस यहां पे करेंगे क्या आएगा थ्री बाई टू, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं, अब यहां पे 2 कब आएगी, जब ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, देखो x क्या आएगा यहां पे 2 हाफ सेट करो क्या आएगा 3/2, तो ये वैल्यू होगी 3/2 और यहां पे हाफ करके क्या आएगा 5/2 ओके, अब बात करते हैं हमारे पास 3 से लेकर 4 तक के लिए, 3 कब आएगा ये होगा, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं, x क्या है हमारे पास यहां से 5/2 है तो यहां से क्या है 9/2, 9/2 इज ग्रेटर देन 3 ओके, तो हमारे पास हायर लिमिट है 3, यहां पे क्या रहेगा 5/2 बस खत्म, इसको बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या आएगा माइनस में x माइनस 1 से माइनस हाफ ये 0 प्लस x हाफ से लेकर 3/2 प्लस 2x 2 को बाहर रख दो 3/2 टू 5/2 प्लस 3x 5/2 टू 3, अब सॉल्व कर सकते हो क्या आएगा माइनस हाफ को क्या आएगा हाफ माइनस माइनस 1 माइनस एंड माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 3/2 माइनस में हाफ प्लस 2 टाइम्स 5/2 माइनस में 3/2 प्लस 3 3 माइनस में 5/2 ओके, अब सॉल्व कर ले क्या आएगा माइनस में हाफ प्लस में 1 प्लस में यहाँ वैल्यू क्या आएगी 1 तो 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस में 5 1/2 तो 3/2 3/2 ये आ गया हमारे पास 1 1 1 2 2 2 4 आपका आंसर हो गया 4 ओके, ये समझ लीजिए ग्रेडिएशन से कैसे निकालते हैं वैल्यूज, पहले हम बात करेंगे कि कहां से कहां तक वैल्यू जा सकती है, माइनस वन पुट किया क्या है माइनस में हाफ आया माइनस में हाफ आया माइनस में हाफ ये वैल्यू माइनस हाफ मतलब आंसर कहां से आएगा माइनस वन से, क्यों क्योंकि माइनस वन से जीरो तक ग्रेटेस्ट डिजिट की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है ओके, माइनस वन से स्टार्ट किया, अब जीरो ये वैल्यू जीरो
जीरो कब होगी जब x क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस उसी के अकॉर्डिंग ये ब्रेक किया है। ओके इसको नोट नहीं करना है, इसको रफली नोट करिएगा उसके अकॉर्डिंग। इसको नहीं समझ में आया वो ग्राफ बना ले, वो ग्राफ बना लोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं ग्राफ को बता पता करूँ ना, आपके पहले नोट कर लीजिए, फिर इसी का ग्राफ के अकॉर्डिंग बता दूँगा। आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। प्रॉपर्टी नहीं आएगी तो एक क्वेश्चन तो आप सुन लो 6 मार्क्स के आपका चला जाएगा। प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार कर लो। ये तो अभी बोलते हैं ना चिंगी प्रॉपर्टी है, मतलब छोटी सी प्रॉपर्टी है। अभी जो स्टार्ट होगी 4th नंबर प्रॉपर्टी से स्टार्ट होगा। ओके इसे नोट कीजिए। अब देखो ग्राफ बना दे इसका, देखो क्या है, हमने मॉडस ग्राफ पढ़ा है, क्या होता है माइनस वन कहां से, माइनस वन इंक्लूडिंग और जीरो एक्सक्लूडिंग, जीरो इंक्लूडिंग राइट, पढ़ा हो गया। देखो ये है माइनस वन जीरो वन टू एंड थ्री राइट, एक और बना लेते हैं, ये हो गया फोर। अब समझिए देखो क्वेश्चन हमने क्या करना है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, हाफ ऐड नहीं है अभी। अब हम क्या करेंगे, हाफ को ऐड करेंगे, हाफ को ऐड करेंगे एक्स में ऐड करेंगे राइट। जब एक्स में ऐड करोगे तो ये जो है हमारे पास ये क्या होगी, पीछे खिसक जाएगा, ये क्या होगा पीछे खिसक जाएगा राइट। अच्छा तो ध्यान दीजिए ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस क्या हो जाएगी हमारे पास, ये जगह यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाई एक्सिस यहां पे शिफ्ट हो गया, वैल्यू वाई एक्सिस के यही रहेंगे वन टू थ्री एंड फोर, वाई एक्सिस पे वैल्यूज यही रहेंगे बट एक्स की वैल्यूज चेंज रहेंगे। कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने, ठीक है। अब जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, यहां से यहां तक ये यहां पे शिफ्ट हो गया, ये यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे फिनिश होगा, ये जो पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट होगा यहां पे फिनिश होगा, ये जो पोर्शन है वो यहां से स्टार्ट होगा यहां पे फिनिश होगा। ओके तो जो पोर्शन है हमारे पास उससे हाफ लेस होता जाएगा। ओके ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग माइनस वन से क्या हो जाएगा जीरो, माइनस सॉरी माइनस हाफ, ये वैल्यू क्या है हमारे पास एक्चुअल माइनस हाफ है, ये जीरो है ये हाफ है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास ये थ्री बाई टू है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म होगा, ये वैल्यू क्या होगा फाइव बाई टू हो जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म होगा, ये वैल्यू क्या जाएगा सेवन बाई टू हो जाएगा। ओके तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू बनी हुई है, बस इसी बात का तो ध्यान रखना है। ओके नोट कीजिए, इसको नोट करना है कर सकता है, ये तो लग कर दिया हमने। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई इन रूट वन माइनस साइन टू एक्स डीएक्स, वन माइनस साइन टू एक्स डी एक्स। ओके इस क्वेश्चन को करना क्या करें, जीरो टू टू पाई है, ध्यान दीजिए
जीरो टू टू पाई मैं बनाती हूँ उसको, क्या किया इसको, इसको लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर और मॉड लगा लेते हैं जीरो टू टू पाई एंड डी एक्स, कितना कर लिया। अच्छा आप क्या करें, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, अच्छा इसको और सिंपल कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको रूट टू से मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्या रहेगा साइन एक्स माइनस में पाई बाई फोर हो जाएगा जीरो टू टू पाई डी एक्स। अब हमें साइन एक्स का ग्राफ पता है, साइन एक्स का ग्राफ पता है, बना लेते हैं थोड़ा सा, ये होता है जीरो टू पाई के लिए। अब ये साइन एक्स का है, अब क्या करेंगे इसमें एक्स में पाई बाई फोर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये जो वाई एक्सिस है वो शिफ्ट होके कहाँ आ गई, यहां पे आ गई। ओके तो ये जो वैल्यू है ये क्या है जीरो, ये क्या है हमारे पास कब है जब पाई बाई फोर है, सॉरी ये जीरो है हमारे पास, ये क्या है पाई बाई फोर है। ओके अब पाई बाई फोर है तो यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ओके ये क्या होगी, ये नेक्स्ट टाइम पाई, अब यहां पे पाई पे थी, अब क्या होगा पाई से आगे शिफ्ट हो गई पाई बाई फोर, यहां पे हो जाएगा पाई बाई फोर। समझने का ट्राई करो क्या किया मैंने, ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ था राइट, ये हमारे पास साइन एक्स ग्राफ था, ओके अब मैं जो बोल रहा हूं क्या है हमारे पास x माइनस में पाई बाई फोर, एक्चुअल देखो x माइनस में पाई बाई फोर है, तो क्या करेंगे x को पाई बाई फोर से क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब हुआ, जो ये जीरो था ये जीरो कब आएगा, जब यहां पे क्या ये एंगल क्या होगा पाई बाई फोर होगा, ये बात समझ में आ रही है। तो जीरो में क्या होगा, तो यहां से ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा, ये है हमारे पास जीरो, ये है जीरो, ये अगर पाई बाई फोर है तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस पाई बाई फोर। समझने का ट्राई करो ये क्या देगा पाई प्लस पाई बाई फोर, क्यों, क्योंकि जीरो प्लस पाई बाई फोर तो ये है हमारे पास। ओके अब ये है पाई प्लस पाई बाई फोर, अच्छा ये जो वैल्यू है ये क्या है टू पाई प्लस पाई बाई फोर, बट हमें तो टू पाई से आगे जाना ही नहीं, तो टू पाई कहां पे होगा, यहां पे कहीं पर टू पाई होगा। ओके यहां पे कहीं पर टू पाई होगा, मतलब हमें जो ग्राफ चाहिए वो ग्राफ कहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए, यहां तक चाहिए ग्राफ, यहां से स्टार्ट करके यहां तक। ओके अच्छा 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 तो अब हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है, तो कर सकते हैं दो ही पॉइंट मिल रहे हमारे पास रूट, एक रूट ये मिल रहा है और एक रूट ये मिल रहा है, थर्ड रूट तो क्या मिल रहा है टू बाई ओवर ये हमारा हाइएस्ट है, क्या करेंगे ये वैल्यू क्या होगी निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, अंडर द एक्स एक्सिस क्या होता है निगेटिव होता है, तो अब क्या करेंगे इसको लिखते हैं जीरो टू पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर क्या किया माइनस रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर, ओके डी एक्स प्लस क्या है हमारे पास पाई बाई फोर से पाई प्लस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर टू पाई प्लस पाई बाई फोर मतलब फाइव पाई बाई फोर। ओके ये क्या हमारे पास पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये रूट क्या हो गया मॉड गया पॉजिटिव ओपन हो गया साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर प्लस डी एक्स, डी एक्स रूट लीजिएगा प्लस, अब फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक क्या नेगेटिव है, तो फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई तक नेगेटिव रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर एंड डी एक्स। ओके नोट कर लीजिए, बाकी आप जानते हो साइन इंटीग्रेशन क्या होता है पॉजिटिव होता है, सॉरी माइनस कॉस होता है, कर सकते हो
पहले तो डायग्राम अच्छे से बना लीजिए, बिना डायग्राम के आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला था। बस आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारे पास क्या है, पाई बाई फोर है, इसको जीरो बनाना है। जीरो जब होगा तो क्या हो गया, पाई बाई फोर पे जीरो होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ था वो पाई बाई फोर से स्टार्ट होगा और हमारे पास लिमिट थी जीरो, तो ये जब एक्स के प्लस जीरो को क्या आएगा, माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर ये रखा हुआ है। ओके ग्राफ बनाइए, इसके बाद सॉल्व कर सकते हो आप, नहीं तो मैं सॉल्व करते ही होगी। ओके तो क्वेश्चन को ग्राफ करो, ऊपर देखिए सॉल्व करते हैं। ओके ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस इसको दे दोगे तो क्या जाएगा, रूट टू इंटू में कॉस, ओके कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, लिमिट लिमिट क्या है जीरो टू पाई बाई फोर, माइनस में आ जाएगा रूट टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, लिमिट क्या है पाई बाई फोर से पाई पाई बाई फोर, प्लस रूट टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, लिमिट क्या है, बस लिमिट में चेंजमेंट है फाइव पाई बाई फोर से लेकर टू पाई। ओके अब तो लिमिट पुट कर सकते हो, पाई बाई फोर पुट करेंगे आएगा रूट टू टाइम्स कॉस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर पुट क्या गया जीरो, कॉस जीरो माइनस में जीरो पुट करेंगे कॉस माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस पाई बाई फोर क्या होता है कॉस पाई बाई फोर होता है, माइनस में रूट टू, फाइव पाई बाई फोर पुट करोगे क्या आएगा कॉस पाई, माइनस कॉस पाई बाई फोर, कॉस पाई फोर जीरो हो गया सॉरी, प्लस रूट टू टाइम्स टू पाई पुट करेंगे क्या आएगा कॉस टू पाई माइनस पाई बाई फोर, मतलब ये आएगा कॉस पाई बाई फोर, माइनस कॉस पाई पाई पुट किया क्या है कॉस पाई। ओके डायग्राम को रफ करो, जिसने नहीं नोट किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। सॉल्व कर दे रूट टू टाइम्स वन माइनस में वन बाई रूट टू, रूट टू पूरे से कॉमन कर लो, वन माइनस में वन बाई रूट टू, माइनस माइनस वन माइनस वन, तो माइनस में माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और प्लस यहाँ पे कॉस में वन बाई रूट टू माइनस माइनस प्लस वन। ओके तो रूट टू और रूट टू क्या हो गया खत्म हो गया, वन 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 टू 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 फोर, फोर रूट टू आंसर आ गया। ओके नोट कर लीजिए, रफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टू टू पाई मॉड ऑफ वन प्लस टू कॉस एक्स डीएक्स। ओके इसके ऑप्शन दिए हैं बट ठीक है सॉल्व कर सकते हैं, देख रहे ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी, टू पाई बाई थ्री प्लस टू बाई टू रूट थ्री, नेक्स्ट है टू पाई बाई थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री रूट थ्री, नेक्स्ट है हमारे पास टू पाई बाई थ्री प्लस फोर रूट थ्री, नेक्स्ट है मेरे पास टू पाई बाई थ्री।
ओके सॉल्व कीजिए। क्या करें अब, मॉड आ गया हमारे पास, मॉड आ गया, तो मॉड हमारे पास जीरो किस किस पॉइंट पे होगा उसकी बात करते हैं। पहले तो जीरो किस किस पॉइंट पे होगा उसके बाद करते हैं। क्या करें, देखो कॉस का ग्राफ, कॉस का वन सर्कल दिया हुआ है हमारे पास, कॉस थ्री ये दिया, जीरो से टू पाई दिया गया है, और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन जीरो कहां कहां पे आएगी, इसमें कॉस नेगेटिव कहां पे होता है, इस पोजीशन में होता है, उसमें होता है, राइट। पहला नेगेटिव ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा ये वैल्यू, कॉस की वैल्यू, ये पूरा फंक्शन जीरो कब होगा, जब ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस हाफ हो जाए। माइनस हाफ कब होती है, टू पाई बाई थ्री पे होती है, ध्यान दीजिएगा। तो टू पाई बाई थ्री पे मैंने एक लाइन खींच दी, ये हो गया टू पाई बाई थ्री, ओके। एक पोजिशन मिल गया जीरो का, मतलब यहां से स्टार्ट किया तो पहला जो इंटरवल मिला वो यहीं पे मिल गया, ओके। सेकेंड की बात करते हैं, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट कहां पे मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा पाई प्लस पाई बाई थ्री, मतलब फोर पाई बाई थ्री पे, ये यहां पे हो गया फोर पाई बाई थ्री, मतलब यहां से चले तो यहां पे रुकना पड़ेगा, ओके। लिमिट बता रहा हूं जीरो से टू पाई, टू पाई पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर टू पाई से चलेंगे फोर पाई पे, फिर से जीरो हो जाएगा, ओके। फिर आगे चलेंगे तो फिर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, हमें जीरो से टू पाई ही चाहिए था, तो अब लिमिट को ओपन कर देते, क्या करेंगे जीरो से टू पाई बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा, पहला जो है वो पॉजिटिव ओपन होगा, पहला क्या होगा पॉजिटिव ओपन होगा, ओके। फिर ये पोजिशन में क्या होगा निगेटिव ओपन होगा, फिर इस पोजिशन में क्या होगा पॉजिटिव ओपन होगा, होगा ना। अरे यहां पे जीरो हो रहा है तो जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन जा रहे हैं लोग, लेस देन जा रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या रहेगा पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया वन प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री से लेकर फोर पाई बाई थ्री माइनस वन प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स प्लस फोर पाई बाई थ्री से लेकर टू पाई वन प्लस टू कॉस एक्स एंड डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू साइन एक्स जीरो से लेके टू पाई बाई थ्री प्लस, यहां पर पुट किया तो माइनस है तो बाहर कर दो, माइनस एक्स प्लस टू साइन एक्स टू पाई बाई थ्री से लेकर फोर पाई बाई थ्री प्लस एक्स प्लस टू साइन एक्स फोर पाई बाई थ्री से लेकर टू पाई। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, ओके वैल्यूज पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा टू पाई बाई थ्री प्लस साइन टू पाई बाई थ्री, साइन टू पाई बाई थ्री क्या होता है टू रूट थ्री, सॉरी रूट थ्री बाई टू, तो ऊपर कर दो थोड़ा सा, या क्वेश्चन को रख कर देता हूँ, क्वेश्चन का मतलब खत्म हो गया, ऑप्शन से वर्क मतलब है, तो क्वेश्चन को रख कर देता हूँ। क्या लिखा, इसको वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्या हो गया टू पाई बाई थ्री प्लस यहाँ पे पुट किया टू इंटू रूट थ्री बाई टू, मतलब क्या हो गया रूट थ्री, जीरो पुट किया खत्म, साइन जीरो जीरो खत्म हो गया, माइनस फोर पाई बाई थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा फोर पाई बाई थ्री और प्लस में साइन फोर पाई बाई थ्री, तो पाई प्लस निगेटिव आ गए हम लोग, पाई प्लस पाई बाई थ्री है ना, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो निगेटिव थर्ड वाले में साइन क्या होता है निगेटिव, मतलब यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा तो क्या आएगा माइनस में रूट थ्री हो जाएगा, ओके। अच्छा टू पाई बाई थ्री पुट करो फिर से, तो माइनस टू पाई बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री, यहाँ पे टू बाई थ्री क्या आएगा प्लस, तो माइनस साइन से मल्टीपल है तो क्या आएगा माइनस रूट थ्री, क्यों, क्योंकि बीच में क्या होगा अपर लिमिट रखा है ये,
माइनस में लोअर लिमिट तो पॉजिटिव आया था, दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ की बात करते हैं, प्लस टू पाई और साइन टू पाई जीरो होता है, खत्म हो गया। माइनस में फाइव, माइनस में फोर पाई बाई थ्री और माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, फोर पाई बाई थ्री मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस। ओके अब वैल्यू सब पुट करो, टू पाई बाई थ्री माइनस में टू पाई बाई थ्री खत्म हो गया हमारे पास, एक मिनट, टू पाई बाई थ्री ये माइनस फोर पाई बाई थ्री, ये क्या करूं, माइनस माइनस प्लस, फोर पाई बाई थ्री और माइनस फोर पाई बाई थ्री ये कैंसिल हो गए, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री और प्लस रूट थ्री फोर रूट थ्री, तो गड़बड़ हो गई, कुछ गलत किया है क्या, ठीक है फोर रूट थ्री है तो ऑप्शन में, साथ साथ में यहां से सॉल्व करेंगे, सिक्स पाई माइनस में फोर पाई बाई क्या आएगा, टू पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर सी। ओके सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो गया आपका आंसर। ओके डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही आपको फंक्शन चैप्टर बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे, आपको स्टार्ट करने के पहले ही आपको बताया था कि फंक्शन चैप्टर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड बेसिक फंक्शन चैप्टर के बारे में वो पता होगा तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा इजी लगेगा, थोड़ा सा क्या पूरा फंक्शन इजी लगेगा चैप्टर, अगर वो नहीं पता होगा तो सबसे टफ चैप्टर यही लगेगा। ओके और इसी के बेसिस हमारे पास एरिया बाउंडेड तक कर रहे हैं, टोटल दोनों मिलकर हमारे पास 14 टू 16 मार्क्स का आता है, डेफिनेट और एरिया बाउंडेड तक कर्व मिलता है। ओके तो बोर्ड चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, 14 टू 16 मार्क्स का डेफिनेट और एरिया बाउंडेड तक कर्व आता है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, अच्छा अभी भी टाइम है आप लोगों पास, एक बार रिवाइज कर लो, पिछला जो पढ़ाया जाएगा उसको डेली डेली रिवाइज करना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। ओके करो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन एंड डीएक्स। ओके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ऑप्शन नंबर सी 5 माइनस में रूट 5 बाई 2, ऑप्शन नंबर डी 9 माइनस रूट 5 बाई 2। ओके सॉल्व कीजिए, देखो आपको बताया था क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन प्लस वन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन होता है, याद है जब फंक्शन चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा रहा था, तो ऐसा होता है। ओके तो इसको भी ऐसा लिख सकते हो, इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में वन डी एक्स।
ओके okay, अब हमें बात करनी है वो इस चैप्टर के इस फंक्शन के बारे में करनी है। ओके okay? अच्छा तब इसको ये वैल्यू क्या होगी, इसको जीरो से लेके वन तक ब्रेक कर सकते हैं और वन से टू के भी ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है हमारे पास इजी थोड़ा सा वैसा है, तो इसको लिख देते हैं जीरो से वन दिस फंक्शन प्लस में वन डी एक्स प्लस वन से टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में वन डी एक्स। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिल रही है और ये क्या है, ये तो हमारे पास फंक्शन चैप्टर है मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसको सॉल्व करना इजी है। ओके तो करते हैं। अच्छा अच्छा ध्यान से देखिए, जीरो से वन रखें, जब जीरो रखोगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा प्लस वन, वन रखोगे तब भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी हमारे पास, जीरो आ जाएगी, ये क्या आएगी क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से, अच्छा यहाँ से फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स 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 माइनस में वन एक्स एक्स माइनस में वन ये तो आएगा। अब ये वैल्यू जीरो आएगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी कैसे। अच्छा एक मिनट, क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस में वन है। अच्छा जब हम इसको ब्रेक करेंगे इस फंक्शन को क्या, जीरो से लेके वन तक, इसको जीरो से लेकर वन तक ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना लो, जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन बाई फोर, यहाँ पे थ्री बाई फोर और वन प्लस वन बाई फोर और यहाँ पे भी वन बाई फोर स्क्वायर लेस देन फाइव बाई फोर और ये हो गया हमारे, सॉरी लेस देन ओनली, ये हो गया हमारे पास वन बाई फोर। तो ये देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारे पास, एक वैल्यूज मिल रही जीरो से लेके वन तक, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ओके यहाँ से क्या, जीरो से लेके वन है, ये तो वन से ज्यादा चला गया। ओके तो इसलिए हमारे पास इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, ये आंसर जाएगा जीरो, आंसर क्या जाएगा जीरो हो जाएगा। अच्छा तो ये हो गया जीरो, अब मैं सॉल्व करना है इसको बचाए, इसको बचाए, इसको लिखेंगे वन से टू ग्रेटर देन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स और प्लस में वन एंड डी एक्स। अब इसको कर लो, अब इसको कर लेंगे, कैसे करेंगे ये बात आती है, तो ध्यान से देखो इसको इसी के अंदर कर दें। अब इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना है, क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वन है, इसका रूट कैसे आएगा, एक्स बिलोंगिंग टू वन प्लस माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू आएगा, क्यों बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी ये आ गया। अच्छा तब तो ये हो गया हमारे पास, अब क्या करेंगे, ये वन प्लस रूट फाइव बाई टू है, यहाँ से क्या करेंगे वन से लेकर वन प्लस रूट फाइव बाई टू, ये क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास वन आएगा, ये वैल्यू जीरो होगी, जीरो प्लस वन वन हो गया, फिर वन से लेकर वन प्लस रूट फाइव बाई टू से लेकर टू तक क्या होगा, ये वैल्यू टू आ जाएगी। ओके अब कर सकते हो, ये जाएगा एक्स वन से लेकर वन प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस वन रूट फाइव बाई टू से लेकर टू, सॉल्व कर लो आपका आंसर मिल जाएगा क्या आएगा, यहां से वन प्लस रूट फाइव बाई टू माइनस में वन प्लस टू गुड टेन क्या आएगा फोर माइनस में टू टू खत्म हो गया माइनस वन माइनस रूट फाइव, तो ये हो गया थ्री प्लस थ्री माइनस
थ्री माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, सिक्स माइनस में वन, फाइव माइनस में रूट फाइव बाई टू करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, हमारे पास क्या था, ग्रेटर इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ग्रेटर इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके अच्छा, हमारे पास एक्स स्क्वायर इस फंक्शन को मैंने क्या किया, ये आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मालूम है कि एक्स प्लस वन जो ग्रेटर होता है क्या होता है, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन होता है, तो इसलिए उसको इस पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब इस पार्ट में ब्रेक किया है तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा एट लेस देन जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि जीरो से लेके वन पुट करोगे क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, और जीरो से लेस पोर्शन क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन क्या होगा, जीरो, तो इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, होगा किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिया हुआ है, इसके हमने फैक्टर निकाल लिए, मतलब रूट्स निकाल लिए, क्या आया, वन प्लस रूट फाइव बाई टू आएगा, वन प्लस रूट फाइव बाई टू, उसके ये रूट हो गया, वन से वन प्लस रूट फाइव बाई वन प्लस रूट फाइव बाई टू, टू, तो ये रूट है, ये जीरो आ जाएगा हमारे पास एक पोजिशन पे, तो जीरो आया, जीरो प्लस वन क्या होता है वन, और ये वन आएगा कब, इनके बीच में, तो ये टू हो जाएगा, वन प्लस वन टू। ओके सॉल्व करने से आपका ठीक है, इसके बाद तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और यहीं पे आपके जो प्रॉपर्टी नंबर थ्री के बेस पे क्वेश्चंस थे वो यहीं पे खत्म हो रहे हैं। कल हम लोग प्रॉपर्टी नंबर फोर के बारे में बात करेंगे। आपको फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने बेसिक फॉर्मूले हैं वो फंक्शन चैप्टर और इंटीग्रेशन चैप्टर, ये तीन चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक जगह पे फॉर्मूला लिख लीजिए और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लीजिए, और उसके बाद में फोर्थ नंबर चैप्टर अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप एक दो दिन का जो भी टाइम है वो ले लीजिए, मेरा डेली लेक्चर नोट करते जाइए, उसके बाद में जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट सेशन में आके आप पूछ सकते हो। ओके आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पोर्शन कंटिन्यू करेंगे।